हेलो फ्रेंड, माय नेम इज आबिद अली अंसारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे टेली परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, कि टेली परफॉर्मेंस एक्सिस बैंक के लिए और टाटा स्काई के लिए हायर कर रही है, तो वैसे कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं टाटा स्काई प्रोसेस के लिए, एक्सिस बैंक के लिए, वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या वर्किंग डेज है, क्या वर्किंग आवर है, क्या वीक ऑफ डेज है, क्या सैलरी है, क्या सैलरी डेट है, मैं टोटल इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि टेली परफॉर्मेंस में किस प्रकार हम लोग जॉब ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला, वैसे कैंडिडेट जो ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ग्रेजुएट की हायरिंग चल रही है। प्रोसेस की बात करें तो वॉइस प्रोसेस भी है, नॉन वॉइस प्रोसेस भी है। ठीक है, प्लस क्या है, कैंडिडेट का लैंग्वेज की अगर बात करें तो अगर कैंडिडेट इंग्लिश जानते हैं, कैंडिडेट हिंदी जानते हैं या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज जानते हैं जिसमें स्किल्स कैंडिडेट का अच्छा है, तो वो कंपनी हायर कर लेगी दोस्तों। ठीक है, सैलरी की बात करें दोस्तों तो सैलरी काफ़ी अच्छा है, प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अगर टाटा स्काई जैसी प्रोसेस अगर मिल जाए तो अच्छा सैलरी एक कैंडिडेट अर्न कर सकता है दोस्तों। ठीक है, प्लस अपना कैरियर को बिल्ड कर सकता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो वॉइस प्रोसेस में वर्क करते हैं, नॉन वॉइस प्रोसेस में वर्क करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि सर वॉइस में ज़्यादा पैसा है या नॉन वॉइस में ज़्यादा पैसा है, तो ये जो होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है, प्लस लोकेशन पे डिपेंड करता है, प्लस कंपनी पे डिपेंड करता है, मतलब फर्स्ट पार्टी कंपनी, थर्ड पार्टी कंपनी पे दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार के लिए टेंशन आप बिल्कुल ना ले दोस्तों। पहले आप ये सोचिए कि इंटरव्यू कैसे क्रैक कर लें। अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया दोस्तों तो आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अप्लाई करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको कि कंपनी का एड्रेस मैं स्क्रीन पर दे दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये कंपनी का एड्रेस है। प्लस वहाँ पे आप डाके इंटरव्यू दे सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू। उसके लिए रेफरेंस आईडी चाहिए, अगर रेफरेंस आईडी आपके पास नहीं है फिर भी आप जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो सीट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जैसा कि मैंने बताया हूँ आपको, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है और जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लेना है दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बात बता रहा हूँ, बहुत एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया दोस्तों, कि एक्सिस बैंक के लिए और टाटा स्काई प्रोसेस के लिए हायरिंग चल रही है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ टाटा स्काई के बारे में दोस्तों, कि टाटा स्काई मतलब डीटीएच की सर्विस होती है। वहाँ पे आपको कॉल अटेंड करने पड़ते हैं कस्टमर का, प्लस क्या प्रॉब्लम होता है डिश टीवी में, क्या रिचार्ज करना है, कस्टमर क्यों कॉल किया उसको टैगिंग करना पड़ता है, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, यही आपका काम रहता है दोस्तों। ठीक है, एक्सिस बैंक की बात करें तो वहाँ पे चैट प्रोसेस रहता है, वहाँ पे आपको ईमेल के थ्रू, चैट के थ्रू कस्टमर का सॉल्यूशन करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत सारा प्रोसेस होता है, लेकिन आप जब तक कंपनी में इन नहीं कीजिएगा आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। इन करने के बाद इंटरव्यू होने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको धीरे धीरे सारा चीज पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों ये शॉर्ट वीडियो? अगर वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज मुझे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।